all the best and roll sound. अकेला ठहरा था तारों की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी जाने कहां से रा सिर छाने आया छैला गिर भारी मोरे पिया डरता है देखो all she needs to do is music. Yeah, but she's good. Very good. I want to know sitting inside and pulling the strings in her stomach. On beat, on time. And while moving also. Yeah. Lovely. देखो चेहरे देखो कितने खुश हैं वहाँ पे. स्नेहा, जिस तरीके से आपने अंग अंग से खेला है. ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी. और मूवमेंट के साथ चलते चलते अपर बॉडी कुछ और कर रहा है लोअर बॉडी कुछ और कर रहा है वेरी क्लेवरली कोरियोग्राफ. दिस वॉज अ चुम्बेश्वरी. थैंक यू सो मच. The crown belongs to you, definitely. Thank you so much. Thank you so much, man. Thank you so much. Yeah, I have to say this to you that एक पिक्चर जो आई थी जिस वो कमाल की पिक्चर थी एंड उसमें एक गाना था और वो अभी भी मेरे प्लेलिस्ट में बजता है इस दीवाने लड़के को. मैं थी उस गाने में. Yeah, you were there. I was assisting and पीछे पता है वो एक सेक्शन था उस गाने में जहाँ पे we shot at SL World. The water. The water. वहाँ पे पीछे एक wave pool है. अच्छा. उसमें भी मैं हूँ. लेकिन अगर मैं नोटिस करता लेकिन सोनाली मैम सामने थी तो मैं नोटिस नहीं किया. सामने कोई नहीं दिखा. तो ये चलो. Ready? Music.
दिल कैसा लगा परफॉर्म करके? बहुत अच्छा. इंटेंशन आपका यही है कि आप डांसर बनी रहें, आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, क्या है? मैं खुद को लिमिट नहीं करना चाहती. वैसे डांसर भी हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेती हूँ. दिख रहा है वो नखरे वाला एक एलिमेंट चाहिए था, वो मुझे मिल गया. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस. आप एक्सप्रेस बहुत अच्छा करती हैं. थैंक यू. अंकिता, मला तुझा परफॉर्मन्स खूप आवडला. धन्यवाद. आपके साथ आपके पापा आए हैं. यस. नमस्ते. नमस्ते मॅडम. कसा वाटला तुम्हाला मुलीचा परफॉर्मन्स? एकदम जबरदस्त भन्नाट. एकदम जबरदस्त भन्नाट, वाह. आपने हमेशा ही सपोर्ट किया है उसको? वो बचपन से 5-6 साल से ही डांस कर रही है. उसके माता जी का उसको बहुत सपोर्ट था. मम्मी बहुत सपोर्ट करती है. आप स्टेज पे आ जाइए. आप कुछ कह रहे थे? अभी क्या हो गया कि 2 साल पहले उसकी मम्मी की डेथ हो गई कोरोना से. बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि शादी का माहौल था. मतलब मम्मी की जो बहन है उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो मम्मी ने ही फिक्स करवा दी थी उनकी शादी, और पूरा वो सब मम्मी देख रही थी. बट जैसे शादी हुई, शादी के कुछ दिनों बाद वो बीमार हो गई, और तब कोरोना का ही टाइम था. और उसे लगा कि नॉर्मल सर्दी जुकाम है, तो बाद में इतना बढ़ गया. और तब 1 महीने तक मम्मी हॉस्पिटल में थी. पहले पहले बहुत बात होती थी, मतलब दिन में एक बार या सिर्फ मैसेज थ्रू. धीरे धीरे वो कम होता गया, तो व्हाट्सएप में एक ही मैसेज पूरे दिन में. तो वेट करो कि अब सीन, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि सीन कर लिया, तो वही कि मतलब अच्छे से है, मतलब कि एटलीस्ट फ़ोन तो ले पा रही है. फिर 1 महीने वेंटिलेटर में थी, तो कोई बात होती नहीं थी. और फिर एक दिन मतलब समझ में आया कि अब वो नहीं रही. आपको कभी वक्त मिला मिलने के लिए? नहीं. जब भी हमारा नोकझोंक होती थी या फिर मैं कुछ नहीं सुनती थी या फिर कुछ गलत करती थी, तो वो बोलती थी कि लाइक मेरे जाने के बाद समझ में आएगा. तब बहुत गुस्सा आता था कि लाइक ऐसे क्यों बोल रही है कि या क्यों. तो बट आज अभी वो कुछ चीज़ें समझ में आती है, वो जाने के बाद ही समझ आती हैं.
बिछड़े खुशियों से जैसे रंग हो उतरे रूठे हुए। मेरी और मम्मी की तो ऐसे टक्कर वाली टशन वाली फाइटिंग वाली ऐसे रहते थे, तो अभी एक जो मेरा झगड़ा पार्टनर है या फिर कोई बात करने का है तो वो तो अभी है नहीं। मतलब टूट के सपना गरियों उखड़े चुभते हैं जैसे दर्द के टुकड़े बिखरे हुए। मैं जो भी काम करती थी वो सब वो कर रही है। चीज़ें सब जगह पे होना चाहिए, ये तो उनकी मेरी बेबी की जैसी जिम्मेदारी थी वैसी थी कर। अभी जो ये उनके लिए करना है तो याद तो आती है, लेकिन संभालना है। नींदों में पाखी पलकों के द्वारे कोई। इतना सिखा के गई है कि ना सिर्फ घर संभालना बट घर के लोगों को संभालना या फिर खुद को संभालना या फिर खुद के ड्रीम्स को करना, ये सब वो सिखा के गई है और अभी सिर्फ इतना ही है कि वो करना है। सपने ही बाती से जलते सपने ही सच में बदल। सॉरी अंकिता। बिखरे से नाजुक टुकड़े उठाते जुड़ते जुड़ाते फिर मुस्कुराते सपने ही बाती से जलते सपने ही सच में। अंकिता आप स्ट्रांग हो, आप घर का ख्याल रख रही हो, पापा का ख्याल रख रही हो, अपना पैशन फॉलो कर रही हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यार, रियली। आपकी मम्मी का नाम क्या था? मंजुषा। उसका खुद का ड्रीम था कि वो किसी दिन डांसर बने, फेमस हो जाए या फिर कोई एक्ट्रेस बने, क्योंकि वो जो मेरे में आया है एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट, तो वो सब उन्हीं से आया है। मम्मी आपको क्या बुलाती थी? वैसे तो पिल्लू या बच्चा कहती थी। पिल्लू। मंजू ची मल्टी टैलेंटेड मुलगी पिल्लू। ओके ऑल द बेस्ट। अंकिता, आई डू होप एंड आई डू प्रे कि आप अपनी माँ का ड्रीम पूरा करें, तो इसीलिए पिल्लू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अंकिता, आई फील यू हैव दैट पोटेंशियल, तो आई वांट टू गिव यू अ चांस, सो ऑन दैट बेसिस। अभी उस तरह मेरे को भी हाथ चाहिए। आज का ये जो बैज है ये मंजुषा के लिए है। बिखरे से नाजुक टुकड़े उठाते जुड़ते जुड़ाते फिर मुस्कुराते सपने ही बाती से जलते। इस कोविड स्टोरीज में क्लोजर नहीं मिलता ना इसमें। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.